आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी अमन समीर के निर्देशानुसार जिले के शस्त्र सत्यापन हेतु सभी थानों में शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें थानाध्यक्ष के साथ सीओ अथवा बीडीओ शस्त्रों का सत्यापन कर रहे हैं। इस कड़ी में गुरुवार को औद्योगिक थाना परिसर में शस्त्र सत्यापन का शिविर आयोजित किया गया है, जहां थाना क्षेत्र के सैकड़ों लोग अपने अपने हथियारों का लाइसेंस सत्यापन कराने पहुंचे। इस दौरान थाना परिसर में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मलाकार और सीओ प्रियंका राय ने संयुक्त रूप से शस्त्रों का सत्यापन करते नजर आए। वहीं थानाध्यक्ष दिनेश मलाकार ने बताया कि आज से शस्त्र सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो अगले दो दिनों तक चलेगा। उन्होंने बताया कि आज से इस शिविर का थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँव के लगभग 100 की संख्या में लोग शस्त्र सत्यापन के लिए थाना पहुँचे, जिसमें 42 लोगों का सत्यापन कर लिया गया। वहीं सीओ प्रियंका राय ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर कारतूस के हथियार का सत्यापन कराने आ रहे हैं, ऐसे लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना कारतूस के शस्त्रों का सत्यापन नहीं हो सकता। गुलशन सिंह की रिपोर्ट, CNB न्यूज, बक्सर।